ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो आज हम आपको बता रहे हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी में ऐसे कौन से विशेष उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो पहला उपाय है, यदि आपने संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत किया है तो आपको पूजा के समय भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूलों की माला पहनानी चाहिए और चंदन के तिलक से श्री हरि के मस्तक को सुशोभित करें। उनकी कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। पुत्रदा एकादशी पे करने वाला दूसरा उपाय ये, आप अपनी संतान की खुशहाली के लिए श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन व्रत के साथ पूजा के समय ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा, विष्णु जी प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पुत्रदा एकादशी पर तीसरा उपाय, श्रावण पुत्रदा एकादशी का उपाय नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी को आप पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। श्रावण की पुत्रदा एकादशी को करने वाला चौथा उपाय, इस साल श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन सावन सोमवार व्रत भी है। इस दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विधि पूर्वक पूजा करें। सावन सोमवार भी संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, इसलिए आप दोनों देवों से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।